हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ ऑफिस ऑफिस के लिए। पूजा वगैरह अभी करनी रहेगी, वैसे अभी पूजा करता हूँ सॉरी और अभी कृष्ण प्रदीप सोए हुए भी हैं, इनको जगाना, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो ये खड़ी मारेंगे ना अंदर से, वरना फिर दरवाज़ा खोला ही रह जाएगा। गुड मॉर्निंग कृष्णा, कृष्णा गुड मॉर्निंग। इसको क्या हुआ, ये नहीं उठा अभी? प्रदीप प्रदीप, गुड मॉर्निंग बाबू। हाँ उठो जल्दी, सुनो एक लोग उठ जाओ, मैं जा रहा हूँ ना, तो कुंडी मारो और फिर आराम से फिर से सो जाओ, ठीक है कृष्णा? हाँ चलो, हाँ बाय 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 कृष्णा, बाय बाय कृष्णा। हाँ आ जाओ, ये बंद करोगे, ठीक है? हाँ तो अभी गई पहुंच गया हूँ ऑफिस में, शाम को जुड़ेंगे। अभी आज मौसम तो साफ है, बट ठंड उतनी भी नहीं है जैसे दो तीन वीक पहले हो रही थी, कम है आज, उतना एहसास नहीं हो रहा सुबह में। देखो साफ सुथरा मौसम, वरना और दिन क्या होता है इस टाइम पे, धुंध ही धुंध, फॉग ही फॉग, फॉग धुंध जो भी है वो लगा रहता था, आज तो क्लीन है पूरा। तो गाइस जुड़ेंगे अभी हम लोग शाम को, ओके गाइस तब तक कह रहे भाई। तो अभी गाइस पहुंच गए, मैं घर में पहुंचने वाला हूं, भैया भाभी पापा लोग भी आ गए बसंत गांव से, मैंने देखे नहीं अभी, रेखा जी का कॉल आया था, भानु का भी, ये मामा मामी लोग आ गए, तो चलते हैं अभी। पहुंच गया अभी घर पे, तो अभी गाइस पहुंच गया हूँ घर में। नमस्ते पापा, कैसे हो? बस बढ़िया। और कैसा रहा वहाँ? अच्छा लग रहा था वहाँ? अच्छा लग रहा था, तो वहीं क्यों नहीं रहे फिर, क्यों आ गए हमारे घर? वहीं रह रहे थे कुछ दिन, वहाँ ठंड काफ़ी है ना, ठंड है वहाँ? हाँ सही कि आपने वापस आ गए जी, कि वहाँ दिल्ली साइड है ना, तो वहाँ ठंड काफ़ी होती है, यहाँ पर चलो अपना सेफली रहोगे, सही भी रहेगा, है ना? ठीक है पापा, आपने, मैं दो तीन दिन से बहुत मिस कर रहा था आप लोग को। कल तो कृष्णा आया था, कृष्णा और प्रदीप आए थे मेरे साथ सोने के लिए रात में, क्योंकि मैं खुद ही, मैंने रेखा दी को कॉल किया तो वो बोली है तो कृष्णा प्रदीप दोनों को भेज दूंगा, तो वो लोग आए थे कल, पता है, क्योंकि मेरे को वैसी रात में अकेले सोने में सही नहीं लगता ना, तो बच्चे आए फिर उनके साथ टाइम पास हुआ, अच्छी कॉमेडी की कृष्णा ने, आराम से हम लोग फिर रात में सोए, मेरे को जल्दी नींद आ गई थी, तो फिर ये लोग टीवी भी देख रहे थे, मैंने बोला कि दरवाजे पे वो मार देना कड़ी पड़ी, तो आराम से मार के, तो ये लोग भी सोए गए थे, सुबह उठ भी गए थे टाइम पे, कृष्णा उठ गया था टाइम पे, प्रदीप तो खैर तब सोए थे जब मैं गया था, तो फिर बाद में दीका कॉल आया ऑफिस में कि कहाँ है वो, मैंने बोला वो कृष्णा कह रहा था हम 9:30 तक जाएंगे अपने घर में, तो चले गए थे फिर वो बच्चे भी। अब लोग कभी आए? अभी अभी आए हो? अच्छा अच्छा, ये टीका दिख रहा है आपके ना जो लगाया आपने टीका, ये तभी। चलो ठीक है, सब वहाँ सी ले, ठीक है, बच्चे उच्चे सब बढ़िया है, चलो ठीक है पापा। तो अभी गई, अभी करता हूँ डिनर, इतने दिन से क्या है बाहर का ही खाना खा रहा था, बाहर बोले तो कभी मैगी कभी कुछ, मैं वो तो दिन के टाइम खा रहा था, और रात के टाइम में रेखा दी के वहाँ से आ रहा था हम लोग के लिए डिनर, बट आज देखो भाभी आ गया अभी, अब घर का खाने खाने को मिलेगा, आज देखते हैं भाभी ने क्या बनाया खाने में, पापा जी लोग तो खा चुके हैं, भैया ने भी खा लिया, मैं रह गया था, मैं तब से बात कर रहा था सूरत से करनाल में, ये काम के चलते कुछ बात कर रहा था उसे, अभी देखो मेरी आवाज़ भी कितनी बैठ गई ठंड की वजह से, ठंड इतनी है
मैं एक तो अपना ध्यान भी रखता हूँ, ऐसे कपड़े वपड़े पहन के चले जाता हूँ, बाद में जब आवाज़ बैठती है और फिर देन जब कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाता है तब मुझे पता लगता है कि हाँ मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो अभी देखो ठंड की वजह से आवाज़ पूरी ऑलमोस्ट, अभी क्या बोलते कितना दर्द कर रहा है बोलने पर अभी। तो अभी डिनर करते हैं, देखते डिनर में क्या बनाया आज भाभी ने। तो अभी गाइस डिनर में आज पनीर की सब्जी और रोटी, थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज़्यादा खाऊंगा नहीं, फिर दूध पीऊँगा सो जाऊँगा सीधा। बहुत इतना साथ में गर्म पानी भी पी रहा हूँ ताकि आवाज़ निकले प्रॉपर। तो अभी गाइस डिनर वगैरह तो कर लिए, थोड़ी सी आवाज़ निकलना शुरू होगी। गर्म गर्म दूध भी पी लिया मैंने एक मग और दो तीन मग, तब से गर्म पानी पी लिया तो उस वजह से भी थोड़ी आवाज़ तो निकल रही है। ब्लॉग एंड तो कर ही सकता हूँ अभी। तो गाइस खाना वाना भी खा लिया, ब्लॉग एंड कह रहा हूँ, खाना वाना भी खा लिया। पापा जी भी सो गए क्योंकि आज दिल्ली से आए तो काफ़ी थक गए होंगे, अब वो इतने चलते फिरते नहीं ना, तो फिर थोड़े से चलने में काफ़ी थक जाते हैं अभी पापा जी। पहले वो काफ़ी ट्रैवल करते थे, मतलब घूमना फिरना बहुत लगा रहता पापा का, बट जब से वो अंदर में रहना शुरू किए तो काफ़ी थक जाते हूँ, तो इसलिए वो सो के खाना वाना खा के मैंने भी डिनर वगैरह कर लिया, मैं भी सोता हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।